नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और दम असल में आज मसला बहुत गंभीर है मसला यह है कि देश में पढ़ने लिखने वाले युवाओं के हाथों में कलम की बजाय पिस्तौल क्यों आ गई है कैसे आ गई है आपने देखा दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एक युवा ने गोलियां चलाई हैं शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है सी के खिलाफ वहां नजदीक जाकर एक युवा ने जो कि पढ़ने वाला युवा है उसने गोलियां चलाई हैं और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने क्या बोला ये देखिए आया फायर करने के लिए और किसी की की नहीं चलेगी चलेगी सिर्फ हिंदुओं तो सुना आपने ये युवा क्या बोल रहा था इसके मन में क्या है और किस तरह की भाषा ये बोल रहा है और ये भाषा क्यों और कैसे आई शुक्र है कि इसने जो गोलियां चलाई वो किसी को लगी नहीं अगर ये गोलियां किसी को लग जाती कोई जान का नुकसान हो जाता तो उसके बाद वहां पर हालात क्या हो सकते थे और उसका मैसेज कहां कहां तक जाता यह आप अच्छे से समझ सकते हैं और एक बड़ा सवाल सरकार से भी है और पुलिस से भी है अगर यह युवा वहां जाकर और ऑटो से जाकर वहां पर गोलियां चला सकता है तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है दूसरा बड़ा सवाल इन युवाओं के हाथों में पिस्तौल कैसे आ गई और कहां से आ गई मतलब कि बड़ी आसानी से ये युवा पिस्तौल ले सकते हैं मतलब इनको पिस्तौल कहां से मिलता है कौन देता है कौन उपलब्ध करवाता है और ये पिस्तौल लेकर यानी हथियार लेकर कहीं पर भी इधर उधर जा सकते हैं दिल्ली में और अगर ये हथियार लेकर इधर उधर जा सकते हैं तो मतलब ये किसी पर भी गोली चला सकते हैं ये सवाल सरकार से भी है और पुलिस से भी है और तीसरा सवाल ये कि इन युवाओं के मन में जो चल रहा है आपने जो इनकी भाषा देखी है मतलब इनकी सोच ऐसी कैसे हो गई है दरअसल हमारे देश में जो राजनीति में बैठे लोग हैं जब वो भड़काऊ बयान देते हैं भड़काऊ भाषा बोलते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होगा हो सकता है ये उसी का परिणाम हो सो दोस्तों आप इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर दो युवा और बहुत कम उम्र के युवा देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी आसानी से कहीं पहुंच जाते हैं हथियार लेकर और गोली चला देते हैं आपका इस पर क्या सोचना है क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजेगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा द मसला को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि देश प्रदेश से जुड़े मसलों पर जो एनालिसिस होता है वो आप तक उसी समय पहुंच सके धन्यवाद नमस्कार